हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर अगर हम लोगों को किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो उसको अनब्लॉक कैसे करना है, उसी चीज़ की जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो पे देने वाला हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ गया मैं, और यहाँ पर आप लोगों को एक कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आ जाना है अपने प्रोफाइल पर। यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे आ गया, और प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने मैसेंजर पर। यहाँ पे ये जो मैसेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ब्लैक आइकन पे दबा दिया हूँ मैंने, दिखा दिया है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग आ जाइए सर्वप्रथम अपने मैसेंजर पर, और यहाँ पे सारे चैट खुल के आ गए हैं। अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो यहाँ पर आप लोग अगर सामने वाले बंदे को मैसेज करते हैं कोई भी मैसेज नहीं जाएगा, और ना ही उसकी यहाँ पर प्रोफाइल दिखेगी। यहाँ पर किसी की प्रोफाइल नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मान के चलो आपको ब्लॉक कर दिया है। अब ब्लॉक करने के बाद आप लोग ना ही मैसेज कर पा रहे हो और ना ही उससे कांटेक्ट कर पा रहे हो। तो ये मैं इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले भी एक व्हाट्सएप पर वीडियो बना चुका हूँ कि किस प्रकार हमें ब्लॉक से अनब्लॉक करना है, वो भी खुद से। तो अब मान के चलो ये बंदा है शिवम, ठीक है, ये मुझको ब्लॉक कर दिया है मान के चलो आप लोग, ठीक है। अगर मुझे अनब्लॉक होना है खुद से तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर्सन है ये वाला, ठीक है, इसको मैं कुछ मैसेज करूँगा, यहाँ से मैसेज नहीं जाएगा मान के चलो आप लोग, ठीक है। अब अगर मुझे अनब्लॉक होना है खुद से, मैं सोचूँ कि ये बंदा मुझे अनब्लॉक तो करेगा नहीं, ब्लॉक कर दिया क्योंकि इसने। तो अब अनब्लॉक होना है खुद से तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा एड चैट वाला, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। एक बार और दिखा देता हूँ, ये घेरे में ब्लैक वाले पे, ठीक है, यहाँ पर चले जाइए आप लोग। और यहाँ से जिस बंदे ने, यहाँ पर लिखा है ना टू सर्च, यहाँ पर जिस बंदे ने आपको ब्लॉक किया है वह यहाँ पे उसका जो है नाम डाल दीजिए। तो ये इट्स शिवम मिश्रा, ये वाला पर्सन देखो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, आ गया। आने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे ऐड, यहाँ पर इसको मैंने कर लिया ऐड, ये पहले नंबर का ऐड हो गया। और एक कांटेक्ट और ऐड करना है, एक मतलब इंस्टाग्राम की आईडी जो आपकी होनी चाहिए, चाहे आप फेक बना लीजिए या फिर कोई दूसरी भी बना सकते हैं, जिससे मैं तो दूसरी डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एक अनुपम करके है, अनुपम शुक्ला, यहाँ पर इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, लेकिन अच्छा वो रहेगा कि आपकी एक खुद की फेक आईडी होनी चाहिए, उसी प्रकार से आप लोग जो है ब्लॉक से अनब्लॉक हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक बंदे को और ऐड कर देना है, या फिर अपनी जो आपकी जो आईडी है कोई और सी भी फेक आईडी है उसको ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो क्या होएगा, मैं ऐड कर लेता हूँ, आप अपनी ही आईडी ऐड करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको भी ये आपकी सारी चैट जो है मालूम पड़ती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं कोई सी भी मेरी आईडी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं भी एक आईडी और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा क्रिएट ए ग्रुप का, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये वाला ऑप्शन दिया होगा क्रिएट ए ग्रुप का, यहाँ पे क्रिएट ए ग्रुप पे जाइए। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया ना, अब पहले बात तो जिसने आपको ब्लॉक किया है उसका नाम डालिए, आईडी डालिए, और एक अपनी आईडी डालिए। तो क्या होएगा कि यहाँ से जितने भी चैट करोगे तो आपके पास ही रहेंगी, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। तो यहाँ से आप अगर कोई भी मैसेज करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये मैसेज सामने जिस बंदे ने आपको ब्लॉक किया है उसके पास मैसेज जाने लगेगा, ठीक है। तो आपकी ही फेक आईडी होनी चाहिए इसमें, इस प्रकार आप एक फेक आईडी बना लीजिए। इंस्टाग्राम में दो तीन आईडियाँ चलती हैं, तो इस प्रकार देख सकते हैं आप लोग, हाय बोलो बोलो भी, मतलब ये मैसेज आने लगा है हम लोगों के सामने। तो इस प्रकार आप लोग भी जो है
ये मुझे अनब्लॉक हो गया, वहाँ से तो ब्लॉक है, बट यहाँ पे मैंने एक दो लोगों का ग्रुप बना दिया, एक मेरी आईडी एक फेक आईडी, तो यहाँ से मैसेज मेरा जाने लगा है और यहाँ से मैं अनब्लॉक हो चुका हूँ। मतलब यहाँ से कम ब्लॉक वाले पर्सन से बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के मैं ब्लॉक से अनब्लॉक तो हो गया। आप लोग ये चीज़ जो है समझिएगा, ठीक है। और समझने के बाद आप लोग इस प्रकार जो है ब्लॉक से अनब्लॉक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ये एक जेन्युइन तरीका है। आप लोग भी देख लीजिए अपने हिसाब से किसको ब्लॉक से अनब्लॉक करना है, किसको मैसेज करना है, किसको मैसेज नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो पे, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।